हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क की। तो जैसे कोई भी नेटवर्क अगर बनता है, ठीक है, तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसको हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल पे आज डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। किसी भी नेटवर्क के कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो बेसिकली देखिए, अगर बहुत ही इसको सिंपल लहजे में समझाया जाए तो कोई भी नेटवर्क में तीन कंपोनेंट होते हैं मेन। एक तो हो गया सेंडर, जो डाटा सेंड करेगा, ठीक। दूसरा हो जाएगा दूसरे एंड पे रिसीवर, जो डाटा रिसीव करेगा। और तीसरा जो है सेंडर और रिसीवर के बीच में जो चैनल होगा, यानी कि सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसफर का जो भी माध्यम होगा, और यू कैन से कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है। तो बेसिकली यही तीन कंपोनेंट होते हैं किसी भी नेटवर्क के। अब इसमें हम बात करते हैं सेंडर की। तो देखिए सेंडर क्या होता है, सेंडर सिंपली हु सेंड्स द डेटा, मतलब सेंडर स्पीक्स थ्रू कम्युनिकेशन इक्विपमेंट विच इज़ टेलीफोन एट हिज एंड। तो अगर हम कम्युनिकेशन, अगर हम मान लीजिए अपनी ऑडियो सिग्नल भेजना चाहते हैं, या जैसे हम फोन पे बात कर रहे हैं, तो सेंडर क्या होगा, सेंडर कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, यानी जो भी उसके पास फोन है, हैंडसेट है, मोबाइल सेट है, उस पे वो बोलेगा, ठीक है, अपने एंड पे। तो सेंडर मतलब विच ट्रांसमिशेज द डेटा, विच ट्रांसमिट्स द डेटा। सेंडर वो पर्सन हुआ जो डाटा ट्रांसमिट करता है, ठीक। उसके बाद सेकंड चीज आती है कम्युनिकेशन चैनल की। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, कम्युनिकेशन चैनल सेंडर और रिसीवर के बीच का वो माध्यम है जिसके थ्रू हम डाटा भेजते हैं, ठीक है। तो अगर हम टेलीफोन की बात करें, तो सेंडर ने क्या किया, टेलीफोन मोबाइल सेट पे या हैंडसेट पे उसने बोल दिया, उसका काम खत्म हो गया। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या करेगा, द टेलीफोन कन्वर्ट्स द सेंडर्स वॉयस इन टू ए सिग्नल विच इज कैरीड थ्रू द टेलीफोन केबल्स टू द रिसीवर एंड। मतलब सेंडर ने जो, जैसे मान लीजिए हमने कहा से ये टेलीफोन सेट लिया हमने, सेंडर ने यहाँ पे इसमें बोल दिया, ठीक है, तो ये जो टेलीफोन सेट है, चाहे हैंडसेट है, चाहे आपका लैंडलाइन है, जो भी है, ये क्या करेगा, इस ह्यूमन वॉयस को, इस ह्यूमन वॉयस को किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, ठीक है। उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम किसी भी माध्यम के थ्रू रिसीवर एंड तक पहुंचा सकें। तो द टेलीफोन कन्वर्ट्स द सेंडर्स वॉयस इन टू अ सिग्नल विच इज कैरीड थ्रू द टेलीफोन केबल्स टू द रिसीवर एंड। तो रिसीवर एंड पे टेलीफोन केबल के थ्रू पहुंच जाएगा। अब थर्ड जो है इसका कंपोनेंट रिसीवर, रिसीवर क्या करता है, तो रिसीविंग एंड पे देखिए जो सिग्नल पहुंचता है वो आपको मालूम है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल पहुंचेगा, ठीक। तो एट रिसीवर्स एंड द सिग्नल रीचेस टू द कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड दैट इज टेलीफोन विच कन्वर्ट्स द सिग्नल बैक टू वॉयस फॉर्म। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट होके आए थे कहाँ पे, रिसीवर एंड पे, तो रिसीवर एंड पे जो मोबाइल है वो उस सिग्नल को, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को दोबारा से ह्यूमन ऑडिबल वॉइस में कन्वर्ट कर देगा, दोबारा से इसको वॉइस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तभी हमें आवाज़ सुनाई पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए जो वॉइस थी सेंडर के द्वारा, उसके मोबाइल के द्वारा वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दी गई, फिर ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट हो गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दिया गया। और फिर रिसीवर एंड पे जो हैंडसेट है, या जो भी इक्विपमेंट है, या जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, वो फिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉयस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, ताकि हम उसको सुन सकें। तो बेसिकली अगर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग करना चाहें, तो किसी भी नेटवर्क के यही कंपोनेंट्स होते हैं, सेंडर हो गया, कम्युनिकेशन चैनल हो गया, रिसीवर हो गया। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कम्युनिकेशन चैनल है, इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट तरह की मीडिया यूज़ होती है, या
हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के माध्यम हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक, अब वो मीडियम कई हो सकते हैं, जैसे अगर हम इसको नेटवर्किंग ट्रांसमिशन मीडिया बोलें, ठीक है, तो वो कई तरह के हो सकते हैं। जैसे आपका है कोएक्सियल केबल हो सकता है, को एक्सियल केबल्स, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, यूटीपी पेयर भी हो सकता है, अनशील्डेड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो सकता है, दैट इज कॉल्ड यूटीपी। ठीक है, और क्या हम यूज़ कर सकते हैं एज ए ट्रांसमिशन मीडिया? और हम यूज़ कर सकते हैं कोएक्सियल केबल, तो हमने बता ही दिया, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर आपको बता ही दिया। तीसरा, जो आज के समय में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो एकदम इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एडवांस टेक्नोलॉजी है, दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, तो ये तीनों जो है, कोएक्सियल केबल हो गया, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर हो गया और ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये एज ए ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ होता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, अगर हम किसी भी नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें से हम लोग बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ट्विस्टेड पेयर केबल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ केबलिंग यू कैन सी इन टूडेज लैन नेटवर्क। आज के समय में आप लोकल एरिया नेटवर्क आप कहीं भी देखोगे, कहीं भी कंप्यूटर आपस में लैन के थ्रू कनेक्टेड है, तो उसमें ये ट्विस्टेड पेयर केबल ही यूज होते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल में होता क्या है? ए पेयर ऑफ वायर्स फॉर्म्स ए सर्किट दैट कैन ट्रांसमिट डेटा। मतलब इसके अंदर दो दो वायर यूज होते हैं, पेयर ऑफ वायर्स। ठीक है, वो एक दूसरे में आपस में ट्विस्टेड रहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड। जैसे ये है और दूसरा तार जो है, हमने कहा इसके साथ जो है ऐसे, मतलब कायदे से तो यूं कर दीजिए और दूसरा तार आपका इस तरह लिपटा, ये इस तरह से रहते हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ वायर्स फॉर्म्स ए सर्किट दैट कैन ट्रांसमिट डेटा, द पेयर्स आर ट्विस्टेड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉस टॉक। तो इसमें ये जो तारों को आपस में ट्विस्टेड किया जाता है, उसका पर्पस, ये डिजाइन नहीं होता, उसका पर्पस होता है टू अवॉइड क्रॉस टॉक, क्रॉस टॉक को अवॉइड करने के लिए दे आर ट्विस्टेड। ठीक है, और ये क्रॉस टॉक होता क्या है? ये होता है द नॉइज जनरेटेड बाय एडजेसेंट पेयर, व्हेन ए वायर इज कैरिंग ए करंट, द करंट क्रिएट्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर, दिस फील्ड कैन इंटरफियर विद द सिग्नल्स ऑन नियर बाई वायर। मतलब किसी वायर में जब करंट आप फ्लो कराएंगे तो क्या होगा कि उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसके सराउंडिंग में अगर दूसरा तार जा रहा है, सपोज कीजिए एक तार ये है और दूसरा तार हमने कहा कि इसके सराउंडिंग में ये जा रहा है, तो इस वाले तार की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ये काला वाला जो तार हमने दिखा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, वो किसको इफेक्ट करेगी? रेड वाले वायर को भी, ये सिग्नल को। ठीक है, तो इसी इसी इंटरफेरेंस को दूर करने के लिए क्या करते हैं, टू इलिमिनेट दिस पेयर्स ऑफ वायर्स कैरी सिग्नल्स इन अपोजिट डायरेक्शंस, सो दैट द टू मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो अकर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड कैंसिल ईच अदर। तो इसीलिए सिंगल वायर की जगह, कि अगर मान लो सिंगल वायर जा रहा है, उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है और वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है और उसकी वजह से ये दूसरे वायर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसकी बजाय पेयर ऑफ वायर्स यूज़ किए जाते हैं। एक वायर मान लीजिए ये है, इसी के साथ दूसरा वायर ट्विस्टेड रहता है, सपोज कीजिए ये, ठीक, और दोनों में जो सिग्नल है, इसमें सिग्नल एक, अगर सिग्नल इस डायरेक्शन में है तो दूसरे में, ये रेड वाले में मान लीजिए इस डायरेक्शन ऐसे है, तो क्या होगा कि जब सिग्नल की डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है उसकी भी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उससे क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो
तो इसीलिए ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ किया जाते हैं कि ताकि इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है किसी एक वायर में, दूसरा वायर में जो जनरेट होती है उसके इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ट्विस्टेड पेयर केबल का। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैंसिलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैंसिलेशन, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की वो ये होती हैं कि इट इज़ लाइट वेट, इजी टू इंस्टॉल, इनएक्सपेंसिव एंड सपोर्ट मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इट ऑल्सो सपोर्ट द स्पीड ऑफ 100 मेगाबाइट पर सेकेंड, 100 Mbps की स्पीड को भी ट्विस्टेड पेयर केबल सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो ट्विस्टेड पेयर केबल में जो वायर होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये जो वायर हैं आपके ये बने होते हैं इज मेड ऑफ पेयर्स ऑफ सॉलिड और स्टैंडर्ड कॉपर ट्विस्टेड अलॉन्ग ईच अदर, ठीक है। ये जो तार होती है, ये तार होते हैं ये सॉलिड और स्टैंडर्ड कॉपर के आपस में ट्विस्टेड रहते हैं। द ट्विस्ट आर डन टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी टू EMI एंड इलेक्ट्रोमैटिक इंटरफेरेंस को और क्रॉसटॉक को दूर करने के लिए इन वायर को आपस में ट्विस्टिंग किया जाता है। द नंबर ऑफ पेयर्स इन द केबल डिपेंड्स ऑन द टाइप, ठीक है। द कॉपर कोर इज यूजुअली 22 AWG और 24 AWG एज मेजर्ड ऑन द अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड। तो इसमें जो कॉपर कोर यूज होता है, जो तार यूज होता है वो 22 गेज का 22 AWG या 24 AWG का यूज़ होता है। ये AWG क्या है इसको आप चाहे तो नोट डाउन करो, अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड, अमेरिकन वायर गेज, दिस इज AWG स्टैंडर्ड का, ठीक है। तो इतने बारीक तार इसमें 22 और 24 AWG के यूज़ होते हैं जनरली। अब इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर ऑफ टू टाइप, एक हो गया आपका अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दूसरा होता है STP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पर अवेलेबल हो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।